डे के नाम से जाना जाता है। बंगाल में उन दिनों जिन्ना के समर्थक सोहरावर्दी की सरकार थी। दो दिन तक हिंदुओं का नरसंहार चलता रहा। कोलकाता के मुसलमानों ने सैकड़ों हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया। हिंदुओं को बचाने वाला कोई नहीं था। 10,000 से अधिक हिंदू मारे जा चुके थे। ऐसे समय में गोपाल पाठा ने हथियार उठाया। वो पेशे से कसाई थे। गोपाल पाठा ने डरे सहमे हिंदुओं को एकजुट किया और पलटवार करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर एक हिंदू मारा गया तो बदले में 10 दंगाई मारे जाएंगे। इसके बाद एक ही दिन में बाजी पलट गई। अब तक चुप्पी साधे बैठे अंग्रेज जाग गए। गांधी जी को भी अचानक अहिंसा की याद आई और वो दंगा रोकने की अपील करने लगे। ऐसा माहौल बनाया गया मानो हिंदू ही दंगाई हैं और मुसलमान पीड़ित। गोपाल पाठा पूर्वी भारत में लोकप्रिय हो गए। करोड़ों अनाथ हिंदुओं ने उन्हें अपना उद्धारक और रक्षक मान लिया। उनका नेतृत्व पाकर पूरा हिंदू समाज एकजुट हो गया। इससे कांग्रेस और गांधी जी को अपने नेतृत्व पर खतरा दिखने लगा। गांधी जी ने बंगाल पहुंचकर अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने हिंदुओं से हथियार डालने की अपील की। कुछ लोगों ने हथियार डाल भी दिए, लेकिन गोपाल पाठा ने साफ मना कर दिया। गोपाल पाठा ने संदेश भिजवाया कि तलवार तो दूर, यदि किसी लोहे के कील से भी एक हिंदू की रक्षा होती तो उसे मैं गांधी जी के आगे नहीं डालूंगा। बेचैन गांधी जी ने उन्हें मिलने के लिए दो दो बार बुलाया, लेकिन वो नहीं गए। बाद में गोपाल पाठा की गांधी जी से मुलाकात हुई। गांधी जी ने उन्हें शांति और अहिंसा का संदेश सुनाना शुरू किया। गोपाल पाठा ने उन्हें जवाब दिया, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि अत्याचार को सहने वाला अत्याचार करने वाले से बड़ा पापी होता है। ये सुनने के बाद गांधी जी को कोई जवाब नहीं सूझा और वो चुप हो गए। कोलकाता के हजारों हिंदुओं को जिहादी नरसंहार से बचाने वाले वीर गोपाल पाठा ने स्वतंत्रता के बाद गुमनाम जीवन व्यतीत किया। कांग्रेसी सरकारों ने उनके साथ हमेशा दुश्मनों वाला व्यवहार किया। इतिहास की किताबों में उनका नाम तक नहीं मिलेगा। कहीं पर लिखा भी है तो उन्हें गुंडा बताया गया है। गोपाल पाठा का निधन वर्ष 2005 में हुआ, लेकिन उनके योगदान के बारे में देश को कभी पता नहीं चल पाया।